जेनेसिस ओएस का 1.0 का न्यू बिल्ड आया हुआ है ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 का, और इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। फर्स्ट रिव्यू करने वाला हूँ मी 11X, पोको एफ 3 और रेडमी K40 के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बैटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ़ोन में ही हमें मिल जाता है, बट साइकिल एक ही काउंट रहता है हमेशा। एंड एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे जेनेसिस ओएस का, आपको लोगो ऊपर आप मिल जाएगा, वर्जन 1.0 है एंड्रॉयड वर्जन, जैसे कि 14 है। और सिक्योरिटी पैच 5 फरवरी 2024 का है। कर्नल यहाँ पे 4.19 बेस जो है पर्फ कर्नल मिल जाता है। और QS पैनल, इसका एनिमेशन में कोई लैग नहीं, काफ़ी स्मूथ है और बाय डिफॉल्ट डार्क में आता है। इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट अभी नहीं है। एंड एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है, बाकी आपका डाटा यूजेस भी है। और यहाँ पे अगर एडिट में जाते हैं तो सेपरेट टाइल वाईफाई और मोबाइल डाटा के भी है, और भी यहाँ पे टाइल्स मिल जाते हैं, एम्बिएंट डिस्प्ले को हो या फिर आपका यहाँ पे सिंक का हो या फिर साउंड का, तो काफ़ी सारे टाइल्स यहाँ पे हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी हमें यहाँ पे जो है मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एक चीज़ है कि नॉर्मल में काफ़ी स्मूथ था, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा लैग होता है, काफ़ी आपको फील होगा हल्का सा लैग होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ रहेगा, थोड़ा लैग हो रहा है यहाँ पे, हैवी नहीं है लेकिन थोड़ा सा रहेगा। और इसका जो वॉल्यूम पैनल है वो यहाँ पे जो है आपका एक्सपेंड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ऐप ओपनिंग एनिमेशन नॉर्मल में काफ़ी स्मूथ है, तो इसको लेके दिक्कत हालांकि नहीं है। और रीसेंट के अंदर आपका सेलेक्ट है जो कि काम करता है, और स्क्रीनशॉट पे आपको डिलीट और लेंस मिल जाएगा, और आइकन पे टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है जो कि काम कर रहा है, साइड में क्लियर ऑल बटन रहेगा। अब इसके अंदर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर लाइका वाला कैमरा ऐड किया गया, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑप्शंस हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अगर आप करते हो तो यहाँ पे 4K 30fps तक हालांकि सपोर्टेड है, तो 4K 30fps तक यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर पाओगे। देखोगे तो 4K 30fps सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपका जो वर्जन है कैमरे का लाइका का, वो इसके अंदर में जो है यहाँ पे 5.0 वर्जन मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। और जो यहाँ पे GCam है वो मैन्युअली इंस्टॉल करके आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल वर्किंग है ये भी यहाँ पे। और डॉल्बी एटमोस यहाँ पे साउंड इफेक्ट एक ही होता है, यही मिलता है और कोई नहीं है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट हमें इसके अंदर में मिल जाता है, और गैलरी जो है गूगल फोटो है जिसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हालांकि प्ले स्टोर इसके अंदर नॉट सर्टिफाइड है, जिसको सर्टिफाइड करने के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, ये बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो एक बार आप फॉलो कर सकते हो उसके थ्रू, शायद तक आपका फिक्स हो जाए, तो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उसके बाद वॉलपेपर इंस्टॉल में जाते हैं, तो वॉलपेपर तो जो सेट है इसके साथ में ही आता है, कलर स्कोप्स एंड थीम डाइकन है, अपग्रेड मिल जाता है यहाँ पे, तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से अप्लाई भी हो जा रहे हैं। एंड क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में, यहाँ पे कलर स्कोप्स मिल जाते हैं, तो इनको लेके दिक्कत नहीं, ऑपेसिटी आप कम ज़्यादा कर पाओगे कलर का, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट है। मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो ऑलवेज ऑन वेन ऑलवेज शो टाइम इन इन्फो मिल जाता है, जो कि काम कर रहा है, ऑलवेज ऑन आपका यहाँ पे वर्किंग रहेगा। और इसी के नीचे ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग है, लिफ्ट टू चेक फोन है, वैक्स इन फोन नोटिफिकेशन है, एम्बिएंट डिस्प्ले शेड्यूल्स के लिए है, डबल टैप स्लीप मिल जाता है लॉक स्क्रीन के लिए, तो ये सब भी यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो लॉक स्क्रीन स्टाइल आप यहाँ से बिल्कुल चेंज कर पाओगे, तो ये सब जो है यहाँ पे रहेगा। और लॉन्चर इसके अंदर उसे हमें यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है इसके अंदर में। और अगर बात करें कॉलिंग को लेकर के, तो कैरियर वीडियो कॉल का बग है इसके अंदर में, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है बट अलर्ट करता है कॉल रिकॉर्डिंग। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर पाओगे, दोनों पे ही वर्किंग है ब्लूटूथ डिवाइस, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% ब्रांड्स पे वीडियो प्ले करने के बाद 92% मिला है। बैटरी यूजेस में थोड़ा लेट ऐड होता है। और यहाँ पे अगर हम चार्जिंग को लेकर के बात करते हैं तो 41% लास्ट का चार्ज करने में 39 मिनट का जो टाइम है वो इसके अंदर में लगा है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे बात करें बैटरी ड्रेन के बारे में, तो 79% था नाइट में और मॉर्निंग में 77% मिला है, जो कि 2% का बैटरी ड्रेन मिला है, तो नॉर्मली यहाँ पे ड्रेन रहेगा। और अब चलते हैं सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो सिम के अंदर यहाँ पे प्रेफर नेटवर्क में 5G का ऑप्शन मिलता है, 5G वर्किंग है, बस रिकमेंडेड FW आपको यूज़ करना है। और फिर यहाँ पे हॉटस्पॉट की बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी वर्किंग है और प्राइवेट DNS है, बाकी आपका नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर भी यहीं पे मिल जाता है, ये भी काम कर रहा है। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर कास्ट जो दिया गया है ये भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। और ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको गेम स्पेस मिल जाएगा,
तो ये जो है आप यहाँ से ऐड कर लेना अपने गेम को। हालांकि इसके अंदर में हमें जो है क्लोन्ड ऐप देखने को नहीं मिला है, बाकी आपका ओके गूगल ये सब बिल्कुल काम कर रहा है, इसको लेके दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर बबल नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि ये भी वर्किंग है, और अनोइंग नोटिफिकेशन है, डो नॉट डिस्टर्ब है, फ्लश नोटिफिकेशन पर जिसमें आप स्क्रीन पर कलर फ्लश कर सकते हो या बैक फ्लश लाइट का यूज़ कर पाओगे, तो फ्लश नोटिफिकेशन ये भी आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और बैटरी के अंदर थर्मल प्रोफाइल का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी यूजर्स है, बैटरी सेवर है, बैटरी परसेंटेज आपका यहीं से ऑन ऑफ होगा, अभी फिलहाल बैटरी विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और अब चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल सिम पे रिंगटोन आप आराम से लगा पाओगे, एंड यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इनकॉल वाइब्रेशन भी आपको इसी के अंदर मिल जाता है। और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पे जो है आपका ये सारे साउंड के ऑप्शंस रहेंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो फिर इसके अंदर डार्क थीम के अंदर में आपको यूज़ ब्लैक थीम यानी कि प्योर ब्लैक ऑप्शन मिलेगा। आइकन मैनेजर है बट वॉल्टी आइकन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। नाइट लाइट है, कलर्स के ऑप्शन है जो कि काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और नीचे फिर स्मूथ डिस्प्ले और फोर स्पीक रिफ्रेश रेट है, ऑटो रोटेशन है जिसमें मोड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे इनक्रीज टच सेंसिटिविटी के लिए भी मिल जाता है, और टैप टू वैक भी है, और डाटा यूजेस का भी यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है जो कि सभी काम कर रहे हैं। एक्सेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम का सपोर्ट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी हमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि फेस अनलॉक ऐड करने के बाद आपको रिबूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्न साइज नहीं मिलता इसके अंदर, बाकी मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखा दूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से काम करें, एनिमेशन है बट काफ़ी सॉफ्ट है, कोई हैवी लैग वाला नहीं है। और जो फेस अनलॉक है बिल्कुल अच्छे से काम करें, कोई भी रिबूट की ज़रूरत नहीं है। और सेटिंग में इनहैंड पिन प्राइवेसी मिल जाएगा, स्क्रैम्बल लेआउट है और क्विक अनलॉक है स्क्रैम्बल लेआउट से, जैसे कि नंबर लेआउट जो है हर बार आपको चेंज यहाँ पे मिलता है, और एंटर करते हो पिन तो ऊपर आपको एनिमेशन भी न्यू वाला मिलेगा एंड्रॉइड 14 के साथ में, बट यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती है। और मोर सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग भी है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट सभी ऐप्स आप रिमूव कर पाओगे। और साथ ही साथ नीचे आपको ऐप लॉक भी मिलता है, ये फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों से अनलॉक होता है, और ऐप लॉक सभी सपोर्टेड है एप्लीकेशन यहाँ पे, और ऐप को हाइड भी आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे तो ये भी मिलेगा। और ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का मिल जाता है, ये सब रहेगा। वैसे आपका रोम ये जो है इनक्रिप्टेड आता है, इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ। और फिर नीचे डिजिटल वेलबिंग है, सिस्टम के अंदर में यहाँ पे लैंग्वेज है जिसमें ऐप लैंग्वेज भी काफ़ी एप्लीकेशन पे सपोर्टेड है, और रीजनल प्रेफरेंसेस जिसमें टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक आप सेलेक्ट कर पाओगे तो ये सब यहाँ पे रहेगा। और वहीं अगर आप जेस्चर में जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको नेविगेशन मोड मिलेगा, जेस्चर की सेटिंग्स है, बैक सेंसिटिविटी सेटिंग, जेस्चर बार, आईमी बटन स्पेस है जिससे कीबोर्ड के नीचे का स्पेस को आप हाइड कर पाओगे तो ये भी यहाँ पे दिया गया था। ये सब जो है इसके अंदर में मिल जाता है जेस्चर की सेटिंग्स में। और अगर आप बटन यूज़र हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एनिमेशन अच्छा ही है और स्मूथ है, और यहाँ पे भी लेआउट आप चेंज कर पाओगे बटन का, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 100 मोड भी है, लिप टू चेक फोन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के अंदर एडवांस रिस्टार्ट रहेगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, क्विक टॉर्च, प्लेबैक कंट्रोल, रिंगिंग और डबल टैप स्लीप आपको स्टेटस बार के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ये सब रहेगा। और अपडेटर दिया गया है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मल्टीपल यूजर ये सब रहेगा। बाकी डेवलपर ऑप्शन मैं इनेबल कर लेता हूँ, और इसके अंदर चलते हैं दिखाते हैं यहाँ पे हाइड नॉच है कि नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले कटआउट में, और यहाँ पे देखोगे तो हाइड नॉच फिलहाल अभी हमें नहीं मिलता इसके अंदर। और यहाँ पे एंटूटू स्कोर 864037 हमें इसके अंदर में देखने को जो है स्कोर मिला है। CPU थ्रोल 93% है, और जिप स्कोर मैक्स पे 228,000 है, एवरेज स्कोर में 221,000 मिला है CPU थ्रोल का जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब गीगबेंच स्कोर यहाँ पे हमें सिंगल स्कोर मिला है 1312 का, और मल्टी स्कोर में 3483 जो है इसके अंदर मिला है, तो ये कुछ स्कोर रहेंगे। और यहाँ पे बूट एनिमेशन इसका काफ़ी अच्छा है, तो कुछ इस तरीके का जो है इस रोम का, जेनेसिस रोम का बूट एनिमेशन भी हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, और काफ़ी जल्दी बूट हो जाता है, कोई ऐसा टाइम नहीं लेता ज़्यादा। अब यहाँ पे गेम स्पेस तो नॉर्मल है बाकियों की तरह ही, यहाँ पे मोड है, हेडसअप नोटिफिकेशन, FPS इन्फो, स्टे बैक है, ये सब रहेगा। ग्राफिक में स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलता है, HDR अल्ट्रा HD तक अनलॉक रहेगा, बाकी स्मूथ पे एक्सट्रीम ही मिलता है, 90 पे सभी सपोर्ट नहीं मिलता। और गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर बैलेंस है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको क्लोज इन फाइट्स के अंदर थोड़े बहुत लैग देखने को मिल जाते हैं, जब हैवी काफ़ी सारी अगर आसपास क्लोज में आपको मिलेंगे स्क्वाड तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे लैग देखने को मिलता है, तो बैलेंस टाइप की परफॉर्मेंस के साथ आता है, नॉर्मल में ऐसा लैग नहीं होता, बट क्लोजर एंड जब फाइट होती थोड़े बहुत तो उसमें थोड़ा सा आपको होगा, उनमें भी बिल्कुल खतरनाक हैवी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा लैग रहता है लेकिन ऐसा कोई हैवी लैग नहीं रहता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस फिलहाल आपको बैलेंस मिल जाएगी। एनिमेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा असर होता है एनिमेशन में, वो थोड़ा सा आपको स्लो सा फील होगा फ़ोन फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, ये चीज़ देखने को मिलेगा।
बाकी यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें फ़िलहाल इसके अंदर फर्स्ट बिल्ड में देखने को मिल जाता है। आगे के अपडेट में जो भी चेंजेस होगा आगे हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।